नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं, खबर अमृतसर से है, जहां पर अमृतसर के ग्रामीण एसएसपी ने नए नाका बिंदुओं और स्वतंत्रता दिवस की योजनाओं को लेकर उन्नत सुरक्षा उपायों पर समुदाय को संबोधित किया। एसएसपी ने कहा कि सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण उत्सव के लिए सबका सहयोग महत्वपूर्ण है। मैं चरणजीत सिंह, 2013 बैच आईपीएस, बतौर अमृतसर देहाती मेरी अपॉइंटमेंट हुई है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ पंजाब सरकार का, साढ़े डीजीपी साहब का, कि गुरु नगरी च मैं सेवा करने का मौका मिले। तो मैं लोगों को अपील करदा कि वह पुलिस की पूरी जी है सपोर्ट कर। असी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रोफेसनल तरीके के जो पुलिसिंग है वह की जाए, माड़े अंसर नत्थ पाई जाए। ड्रग मैनेज जोड़ा है, ड्रग के खिलाफ जी सा मुहिम है, असी वे पद्धर से ले जाने की। अमृतसर में स्वतंत्रता दिवस से पहले विशेष अभियान के परिणाम मिले हैं। एक खुफिया आधारित ऑपरेशन में राज्य विशेष ऑपरेशन सेल एसएसओसी अमृतसर ने राजवंत सिंह राजू को पकड़कर सीमा पार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। आरोपी पाकिस्तान स्थित तस्कर से संपर्क में है, जो कि ड्रोन और अन्य माध्यम से हथियारों और ड्रग्स की बड़ी खेप भारतीय क्षेत्र में भेज रहा था। आरोपी के खिलाफ एफआईआर पीएस एसएसओसी अमृतसर में दर्ज की गई है। आरोपियों द्वारा की गई पिछली तस्करी गतिविधियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है। जांच के दौरान आरोपी के पास से दो पिस्टल और दो मैगजीन बरामद की गई है। चंडीगढ़ हाईकोर्ट में बढ़ाई सुरक्षा गई है, जहां पर गोलीबारी के बाद हाईकोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ताबड़तोड़ पुलिस भी यहां पर तैनात है। इसके साथ ही कोर्ट में आने वालों की भी चेकिंग की जा रही है। दरअसल कोर्ट की सुरक्षा गोलीबारी के बाद में बढ़ी सुरक्षा है, जहां पर पुलिस बल तैनात है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि चंडीगढ़ से है, जहां पर हाईकोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस भी तैनात कर दी गई है। जीरकपुर में एक जेंट्स कपड़ों की शॉप की मालकिन से दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई है। बदमाश कपड़े खरीदने के बहाने शॉप में आए थे। इसके बाद वे पिस्टल के दम पर महिला से सोने का टॉप, चेन और साथ ही लॉकेट लूटकर फरार हो गए। इस दौरान महिला घायल भी हो गई, वहीं आरोपी जाते हुए कैमरे में कैद हो गए हैं। परिवार ने इस बारे में पुलिस को शिकायत दी, साथ ही आरोपियों को तुरंत पकड़ने की मांग भी की जा रही है। साथ ही दुकानदारों से लूट का यह पहला मामला नहीं है। जीरकपुर में इससे पहले भी एक महिला डॉक्टर से भी इस तरह की वारदात हो चुकी है। यहां पर महिला डॉक्टरों पर आरोपियों को निशाना बनाया था। मेरा नाम पप्पू अंगर। पप्पू तो की लग जोड़े, किस तरह होया सर? मेरे भतीजे सके जी, मेरे छोटे भरा दे बेटे है। खेड़ दे खेड़ दे पासे चले गए साडे तो, ते बाद च पता लगा वी पहला तो बच्चे के गली दे जेड़े नाल गए सी, वो कहंदे सी पार्क च छड़ के आए। पार्क च असी बहुत लभे रात नहीं मिले सानू। सुबह असी गुरुद्वारे बाज दौन गए सीगे, उत्थे निगाह पै गई सरोवर च, जदों देखा पढ़ते सी, पढ़दे सी, इक छेवीं च पढ़ता एक पंजवीं च पढ़ता, एक का नाम साहिल है, दूजे का नाम मनु है। उम्र कितनी गई? उम्र एक दी 10 साल, एक दी 9 साल। आपका यहाँ क्या काम करते हैं आप? यही जेंट्स गारमेंट्स का। क्या ये शॉप, कितना नंबर शॉप है, कहाँ पे है ये शॉप? ये जीरकपुर में। हाँ, शिवा शिवा जीरकपुर में। ओके, क्या ये कितनी देर पहले घटना हुई है? अब तो एक घंटा हो गया। ओके, आपका नाम क्या है? आपके हस्बैंड का? अमित। ओके, हुआ क्या था बेसिकली? बेसिकली वो आए तो कपड़े देखने ही थे। कितने लोग थे? दो जने। ठीक है, किस चीज़ पे थे? बाइक पे। ठीक है जी, तो कपड़े देखते हुए फिर क्या हुआ?
उसी कपड़े देख के पसंद करके रख गए थे, वो कहते हैं हमने पैसे निकलवा के आ गए हैं। ओके। हमीरगढ़ के नजदीक गांव बिंदर फिलहाल में आज सुबह एक स्कूल वैन की चपेट में आने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। इस मौके पर गांव के पूर्व सरपंच गुरमेल सिंह ने कहा कि स्थानीय धार्मिक संस्था की स्कूल वैन कस्बे गिरने से जो है वो करीब 3 साल की मासूम बच्ची की मौके पर मौत हो गई है। इस मौके पर पूर्व सरपंच गुरमेल सिंह ने कहा कि कई बार स्कूल वैन को गांव की गलियों में धीमी गति से चलाने का अनुरोध किया गया, लेकिन वैन पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। चश्मदीद ने भी बताया कि सुबह जीवन सिंह की 3 साल की बेटी अवनीत कौर अपने बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए वैन में जा रही थी। ड्राइवर की लापरवाही के चलते यहां पर वैन के दोनों टायर फट गए हैं। इस मौके पर ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों से भी मांग की है कि स्कूल वैन की समय पर है जो वो जांच न होने पर कंडक्टर्स की गैर मौजूदगी के मामले में सख्त कार्रवाई की जाए। में मासूम बच्ची आ गई और मासूम की मौके पर मौत हो गई है। दरअसल वैन के टायर फट गए थे जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हो गया और साथ ही मासूम की मौके पर मौत हो गई। जालंधर में दो गुटों के बीच में गैंगवार के चलते गोलियां चलने का मामला सामने आया। पठानकोट चौक नजदीक दो गुटों में क्रॉस फायरिंग हुई जिसमें करीब खबर आपको बताते चले कि 12 गोलियां चलने का पूरा सूचना हासिल हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। दो गुटों में गैंगवार हो गई, पुलिस इस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। दरअसल ये पूरा मामला जालंधर से है जहां पर क्रॉस फायरिंग का मामला सामने आया और क्रॉस फायरिंग के चलते आपको बताते चलें कि लगभग 12 गोलियां चलने का ये पूरा मामला सामने आया। दरअसल पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। गोली मोटरसाइकिल मारी गई दूसरी गड्डिया मोटरसाइकिल वाले मारते मोटरसाइकिल वाले मारते गड्डी वाले गड्डी वाले ने मारी नहीं नहीं गोली चलाई कहने मोटरसाइकिल वाले ने गड्डी वाले ने गड्डी वाले गड्डी वाले ने चलाई किधर आई है गड्डी ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਆਈ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੋਣੇ 5-7 ਜਾਣੇ 5-7 ਜਾਣੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 2 ਜਾਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ 4-5 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਕੀ ਦੇਖਾ ਆਪਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਧਰ ਉਹ ਕਾਲੀ ਥਾਰ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਇਧਰ ਸਾਈ ਕੀ ਬਾਈ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿਆ ਕਿਆ ਚਲਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਕੋ ਪਕੜਨੇ ਵੀ ਇਸਕੋ ਥੋੜਾ ਕਰਨੇ ਮੇਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸਕੋ ਬੁਖਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਫਿਰ ਇਸਕੋ ਖੜੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖੜੀ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾ ਮਤ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਉਠਾ ਉਠਾ ਕੇ ਹਾਂ ਇਸਕੋ ਇਸਕੋ ਪਕੜਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਪਕੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਧਰ ਸਾਰਾ ਅਟਮਾ ਦਿੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿਆ पंजाब के शिक्षा मंत्री एस हरजोत सिंह बैस सरकारी आदर्श एसएससी स्कूल लोधीपुर श्री आनंदपुर साहिब की पहुंचे जहां पर पहली शूटिंग रेंज का शिलान्यास करने पहुंचे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में अब वे सभी सुविधाएं मिलेंगे जो कि मॉडल और कॉन्वेंट स्कूल में छात्रों का सपना रही है। साथ ही एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल ग्राउंड ऑल वेदर स्विमिंग पूल और शूटिंग रेंज के निर्माण पर काम शुरू हो गया है। सरकारी स्कूलों को भविष्य के लिए ओलंपियों के लिए भी जो है वो नर्सरी के रूप में तैयार किया जा रहा है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजकीय आदर्श विद्यालय लोधीपुर ने भी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 4 करोड़ रुपए की घोषणा की थी और स्कूल के खाते में 2.5 करोड़ रुपए आ गए हैं। आदर्श विद्यालय में नए भवन का निर्माण कराया जाएगा।
ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਐਸਪੀਟਰ ਸਿਕਸ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੋਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਅਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹਾਕੀ ਦੀ ਐਸਪੀਟਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਟੈਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਓਲੰਪਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਲ ਵੈਦਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-7 ਕਰੋੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। अकाली दल ने बागीकुट ने 1 जुलाई को श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय में आकर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार और सुखबीर सिंह बादल को 2007 से अक्टूबर 2015 तक हुई घटनाओं के संबंध में माफी पत्र भी दिया था और दोषी करार भी दिया गया था, जिसके बाद में पंच सिंह साहिब के अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने 15 दिनों के भीतर तख्त साहिब के बंद लिफाफे का स्पष्टीकरण भी मांगा था, जिसके बाद संगत लगातार बैंड लिफाफे का स्पष्टीकरण मांग रही थी और सार्वजनिक किया गया। और आज मीडिया से बात करते हुए श्री अकाल तख्त साहिब के सचिव सिंह ने बताया कि अकाली दल द्वारा ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੱਤਰ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਲਈ। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bas, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. Gana download hua? Nahi, par tab tak main idli banati hu. हमने बनाया किड्स से। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। के बाद स्वागत है आप सभी का, रुख करते हैं खबरों की तरफ। लुधियाना में कादिया में करमचंद सरपंच के साथ बदसलूकी की गई, इसी को लेकर वो इंसाफ के लिए गुहार भी लगा रहे हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि थाना लाडोवाल की पुलिस इंसाफ की बजाय उल्टा उन्हीं पर समझौते के लिए दबाव बना रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़ित पक्ष सरपंच करमचंद ने बताया कि वो गांव कादिया के सरपंच हैं। घटना के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि 8 जुलाई को गुरतेज सिंह ने भी उनकी कार के शीशे तोड़ दिया, जिसके बाद हमलावर पक्ष ने अपनी गलती मान ली है और कार ठीक कराने का वादा कर समझौता कर लिया। लेकिन जब कुछ दिन बाद में पीड़ित पक्ष ने उनसे कार ठीक कराने के लिए मुआवजे की बात की तो गुरतेज सिंह ने मना कर दिया है और उसके बाद शिकायत करने पर एक भी बार दोषियों को थाने नहीं बुलाया, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सब तो पहला ताड़ा बहुत बहुत मीडिया साथियों का धन्यवाद जो साढ़े तुम एक छोटे जे सदे से अज डॉक्टर बी आर अंबेडकर भवन विखे पहुंचे। अज का जो मैटर है वो जिदा कि सरपंच साहब ने दसिया कि कादिया के सरपंच ने पिछले 27 तरीक 27-7 इन्हों का झगड़ा जोड़ा एक पिंड होया जिथे
किसान यूनियन दुआबा मालवा पंजाब का जो प्रधान है इंद्रवीर सिंह कादिया कादिया जिन्होंने ये कुटमार की सरपंच साहब न और उस दौरान जाति सूचक शब्द भी बोले गए फिर उल्टा ही इन्हों के उत्ते ही पुलिस को फोन करके दबाव पा के इन्हों थाने ले जाया गया और इन्हों हरासमेंट किया गया। अठ तरीक न मेरी गड्डी का शीशा तोड़िया गया मेरे को वैन है स्कूल वैन वह शीशा तोड़िया गया नौ वो मम्मी आके मेरे को मन के गई आ भी असं तेरा शीशा पवावे असं खर्चा देवे कारण की है जी जलंधर के किशनपुरा थाने के अंतर्गत आने वाले गांव झाकिया में पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक युवक ने छत से कूदकर जान दे दी। मृतक व्यक्ति की पहचान लक्कू के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पुलिस से बचने के लिए युवक ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी। इस घटना में युवक की मौके पर मौत हो गई है और पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला जालंधर से है जहां पर पुलिस ने छापेमारी की और युवक ने छत से इस दौरान छलांग भी लगा दी और युवक की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। अज मसला कोई नहीं सी मुंडा झाड़ू पोछे का काम करता से इतने दिन आंदा सी रात को अपने घरे चले जाता सी पुलिस नजायज ही तंग करती पई है न्याणे नू मेरे न्याणे घरे भी नहीं है मेरे न्याणे एक सेंटर चकाया मैं एक गया ते माता ते ते पिछो आ गए पुलिस तंग कर दी मेरे ए साडा कोई नहीं सी काम करता सी। जिला गुरदासपुर अवैध शराब की बिक्री के लिए बदनाम रहा है लेकिन पुलिस की सख्ती के कारण इस कारोबार में काफी कमी आई है। अब अवैध शराब बेचने वाले पुलिस से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे भी अपना रहे हैं। कारोबार में महिलाओं को भी शामिल किया जा रहा है जहां पर पहले महिलाएं सिर्फ घर पर ही शराब बेचती थी अब वे शराब की तस्करी भी करने लगी है। धारीवाल थाने की पुलिस ने भी ऐसी ही एक एक्टिवा सवार महिला को पकड़ा है और सैन के पुल के नीचे जाते देखा। जब उन्हें शक हुआ तो उन्होंने उसे रोककर तलाशी ली तो उसके साथ में स्कूटी भी अवैध शराब की बरामद की गई। और साथ ही आपको बताते चले कि जसपाल सिंह की पत्नी मोजपुर निवासी बताई जा रही। धारीवाल पुलिस स्टेशन के एसएचओ बलजीत कौर ने बताया कि महिला को गिरफ्तार कर लिया गया और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੌਰ ਲੇਡੀਜ ਹੈਗੀ ਆ ਮੌਜਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਮੌਜਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ 80 ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हम हरियाणवी अब 24 घंटे बिजली पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉनस्टॉप हरियाणा। हे मॉम, हे लिस, आई कैन डाउनलोड अ सॉन्ग रियली फास्ट। आई कैन मेक डोसास फास्टर। मस्ट बी जोकिंग। Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. Gana. Download hua? Nahi, par tab tak main idli banati hu. Humne banaya kit se.
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। गिदड़बाहा में गुरुद्वारा साहिब के सरोवर में डूब जाने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई है। जानकारी देते हुए आपको बताते चले कि मृतक बच्चों के चाचा पप्पू ने बताया कि भतीजे साहिल कुमार और खुशप्रीत कुमार शाम को घर से बाहर मोहल्ले में बच्चों के साथ में खेलने के लिए गए थे, लेकिन वे देर रात तक घर वापस नहीं आए। उन्होंने बच्चों की तलाश शुरू कर दी। गुरुद्वारा साहिब पातशाही दसवीं में अनाउंसमेंट करवाने गए तो गुरुद्वारा स्थित सरोवर में दोनों बच्चियों की लाश तैरती हुई दिखी और साथ ही थाना गिदड़बाहा पुलिस ने भी बच्चों की लाशों को सिविल अस्पताल पहुंचाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। शाम खेडते खेडते बच्चे बस मोहल्ले चो गायब हो गए। बाद चो दूजे बच्चे जेहड़े नाल दे मुड़े आए सीगे उन्हां नूं असीं पुछिआ कहिंदे पार्क च बैठे आ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਗਏ ਪਾਰਕ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 9:30 ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ? ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦਾ ਮੰਨੂ, ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਆਓ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਥਾਣੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਲ ਕਰੇ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਸੁਬਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਸੁਬਹ ਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤੈਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੋਨਾਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਸਰੋਵਰ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਨ ਬੱਚਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਸਰੋਵਰ 'ਚ, ਅੱਜ ਲੱਛ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਵਾ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਘਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने आज नाला हलके के कस्बे रमदास का दौरा करते हुए ऐलान किया कि ब्रह्मा ज्ञानी बाबा बुद्धा साहिब के चरण स्पर्श वाली इस धरती पर आने वाली 4 मुख्य सड़कों पर धार्मिक स्वरूप वाले खूबसूरत दरवाजे बनाए जाएंगे और यहां पर करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से इसका पालन होगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने यह भी कहा कि बाबा बुद्धा साहिब जी की इस नगरी का विकास करना मेरा मुख्य लक्ष्य है और मैं इसके लिए भी लगातार प्रयास कर रहा हूं, जिसके चलते रमदास आने वाले मुख्य सड़क और बाबा बुद्धा साहिब के गुरुद्वारे की ओर जाने वाली सड़क का निर्माण हो चुका है और अब इस शहर में भी आने वाली 4 मुख्य सड़कों पर बड़े गेट बनाए जाएंगे। इसके अलावा रामदास से गांवों तक संपर्क सड़कों पर जल्द निर्माण किया जाएगा। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਰਮਦਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਦਾਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰਮਦਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ 9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਔਰ 4 ਐਂਟਰੀ ਰੋਡ ਨੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 4 ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੀਰ ਫਲਾਸਪੋਰਟ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ।